नमस्कार, स्वागत है आपका ई विद्या चैनल नंबर 10 पर। मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी और ये सेशन है विज्ञान के विषय के लिए। और विज्ञान का विषय जो है उसके अंतर्गत आज आप जानेंगे हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता क्या है, जेनेटिक्स और आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी क्या एक ही चीज़ें हैं, और इनका आज के संदर्भ में क्या महत्व है, और क्यों ये पाठ आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ये सब कुछ जानेंगे आज के सेशन में। सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट का, अपने मेहमान का आप सभी से परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं सुशील कुमार सर, जो कि PGT बायोलॉजी हैं केंद्रीय विद्यालय में, एम्बेसी ऑफ इंडिया, काठमांडू, नेपाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आज के सत्र में। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद, और सभी श्रोताओं का भी मेरी तरफ से स्वागत है। जी, और अपने दर्शकों को बता दें कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो साथ ही हमारे एक्सपर्ट को सुनते हैं, साथ ही साथ आप अपने मन में कुछ प्रश्न उठें तो उनको भी हम तक पोस्ट करते हैं। इसके लिए आपके पास विकल्प मौजूद हैं, आप नोट कर सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर है 8800-440-559, और फ़ोन नंबर के अलावा ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी आप अपनी प्रतिक्रिया या क्वेश्चंस हम तक पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जो है dth.class10@cit.nic.in। तो ये सारे मीडियम होंगे हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए और हमारे एक्सपर्ट से अपनी जो क्वेरीज हैं या प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन पाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सत्र का बहुत देर न करते हुए, और सर से सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्योंकि आज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, हेरिडिटी है, आनुवंशिकता है, तो क्या जेनेटिक्स और हेरिडिटी दोनों एक चीज़ें हैं या दोनों में अंतर है? सर, इसी प्रश्न से मैं चाहूँगा आप शुरुआत करें। बिल्कुल देवेंद्र जी, हमारे बच्चों ने, आपने, हमने अपने आसपास देखा होगा कि जो हम और आप अपने माता पिता से या अपने सगे संबंधियों जैसे कि दादा दादी या नाना नानी से किसी न किसी प्रकार की समानता रखते हैं। ऐसे ही आपने अगर अपने आसपास देखा होगा तो बिल्ली के बच्चे को बिल्ली की तरह देखा होगा, या गिलहरी के बच्चे को गिलहरी की तरह, या शेर के बच्चे को शेर की तरह, या फिर आपने या हमने देखा होगा कि जो सिने स्टार हैं वो भी अपने मदर फादर या माता पिता से मिलते जुलते हैं। मतलब ये जो समानता होती है या ये कह सकते एक रिश्ता होता है कि एक माता पिता का या पिता पुत्र का या पिता या पुत्री का या माता या पुत्री का, जिसके आधार पर एक जीवधारी दूसरे जीवधारी से या फिर एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता जुलता है, इसे एक प्रकार से वंशागति कहते हैं। क्योंकि समान लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचना वंशागति कहलाता है। जैसे मेरे अंदर, आपके अंदर आँखों का कलर हो सकता है, बालों का टेक्सचर हो सकता है, बालों की बनावट हो सकती है, तो ये एक हम और आप कहीं से अपने अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से या अपने सगे संबंधियों से, दादा दादी नाना नानी से प्राप्त करते हैं, इसे वंशागति कहते हैं। साथ ही आपने देवेंद्र जी ये भी देखा होगा कि एक ही घर के बच्चे, जो इवन आपने ट्विंस भी देखे होंगे, जुड़वा बच्चे भी देखे होंगे, उनमें थोड़ी बहुत भिन्नताएँ पाई जाती हैं, उसे हम विभिन्नताएं कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। मतलब जब बच्चों का जन्म होता है तब या तो वो यूजुअली जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बैक्टीरिया या जो निम्न श्रेणी के जीव जंतु होते हैं जिन्हें हम सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स क्रिएचर कह सकते हैं, उनमें भी होता है एक प्रकार का जनन जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इनके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं, जो जो उनकी संतानें बनती हैं, उनमें थोड़ी बहुत भिन्नता पाई जाती है। विशेषकर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतानें बनती हैं, एक लैंगिक जनन होता है, उससे जो संतानें बनती हैं उनमें कुछ भिन्नताएँ होती हैं। तो आप जिन भिन्नताओं को हम लोग देख सकते हैं अलग अलग शरीर के अंगों के रूप में, मैं अभी आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ, तो उनमें आँखों की बनावट हो सकती, नाक की बनावट हो सकती, ईयर लोब हो सकता है, हमारी स्किन कलर हो सकती, एक ही घर के सदस्यों की हाइट अलग अलग हो सकती है, इंटेलिजेंस अलग हो सकती, ये एक प्रकार की भिन्नताएं कहलाई। तो जो आपने सवाल किया कि जो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स एक ऐसी विज्ञान की शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण एक अपने माता पिता से उनकी संतानों में
और उन संतानों में जो भिन्नता होती है उस सब का अध्ययन जो हम करते हैं विज्ञान की जिस शाखा में, उसे हम जेनेटिक्स कहती हैं। जी सर जी, तो बहुत चलिए अच्छे। हम आपको कुछ बताएं आपको विभिन्नताओं के बारे में। जैसे आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, हमारे प्यारे बच्चे देख रहे होंगे कि हम सब अपने घरों में अपने भाई बहनों से या अपने आसपास के जो लोग हैं जिन्हें इंसान कहते हैं उनसे भी हमारे बालों की बनावट भी अलग अलग होती। या हम जीव जंतुओं की बात कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डॉग है उसका बच्चा पपी है तो उसके भी बालों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं देख सकते हैं, या एक से ज़्यादा उनके अगर बच्चे हैं डॉग के पपीज हैं तो उनमें भी आप ये भिन्नताएं देख सकते हैं। आपने हमने देवेंद्र जी देखा होगा कि हमारे आपके एक घरों में या हम जो मानव जो लोग हैं उनके अपने आसपास के पड़ोस के लोगों में एक ह्यूमन पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि बालों का जो रंग होता है जो हेयर कलर कहती है वो भी भिन्न होता है। किसी किसी में बिल्कुल काले बाल होते हैं और किसी किसी में ग्रेश बाल होते हैं, थोड़ा सा बरगंडी कलर के बाल हो सकते हैं। ये जो हेयर कलर में भी विभिन्नताएं देखी जाती हैं, ऐसे ही आपने हमने अपनी आंखों के कलर में भी विभिन्नताएं देखी होंगी। अब किसी की डार्क ब्राउन होती है, किसी की ग्रेश होती है, ये अलग अलग आई कलर भी हम और आप लोगों ने ह्यूमन पॉपुलेशन में देखे होंगे या जीव जंतुओं के अंदर देखे होंगे। ऐसे ही स्किन कलर भी आप देख सकते हैं, एक अगर एक परिवार के अलग अलग बच्चे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। कोई बहुत ज़्यादा जिनका जैसे हम गोरापन कह सकते हैं या कुछ ब्रिटिश कलर के हो सकते हैं और कुछ डार्क स्किन वाले बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये स्किन कलर भी एक प्रकार का ऐसा गुण है जो कि विभिन्नता शो कर रहा है, अर्थात वेरिएशन शो कर रहा है। साथ ही आपने देखा होगा कि हम और आप इंसानों में या हमारे आसपास के लोगों में या घर में भी अलग अलग जो लोग होते हैं उनकी बॉडी शेप अलग अलग होती है। कोई किसी किसी की शरीर में मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होती है और कोई कोई उतना अच्छा मजबूत नहीं होता है, या किसी किसी की जो देखा होगा हेल्दी होता है, कोई कोई सामान्य बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। तो ये शरीर के आकार मतलब बॉडी शेप भी अलग अलग होता है, ये एक प्रकार की विभिन्नता वाला बात हुई। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में भी बच्चों की, ऐसे ही और भी जीवधारियों में हम आसपास अलग अलग बीटल्स को देख सकते, हम चिड़ियों को देख सकते, या फिर हम इवन पेड़ पौधों में भी पत्तियों के अंदर भी अलग अलग भिन्नताएँ देख सकते, विभिन्नताएँ देख सकते। और अंगूर का एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश की गई कि देखिए अंगूरों में भी जो ग्रेप्स होते हैं उनमें भी विभिन्नताएं होती हैं। आपके मन में ये बात उठ रही होगी बच्चों कि ये भिन्नताएं कैसे आती हैं, ये विभिन्नताएं कैसे एकदम उत्पन्न हो जाती हैं। तो हमने आपको ये व्याख्यान शुरू होने के समय बताया था कि जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है, तो वो या तो लैंगिक जनन करे या फिर जो जो सिंपल जो साधारण श्रेणी के जीव जंतु बैक्टीरिया हुए जैसे वो अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जब वो अपनी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो उनमें जब डीएनए की कॉपियंग होती, वो अपने डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक प्रकार का एक कह सकते हैं कि एक हमारे बायोमोलिक्यूल होते हैं जो हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। तो वो अपने डीएनए को अपनी संतति कोशिकाओं में ऑफस्प्रिंग में भेजते हैं, तो कॉपियंग के टाइम पर कुछ एरर हो जाती है, उस एरर की वजह से कुछ ना कुछ भिन्नता आ जाती है। तो ये देखा गया है बच्चों कि जो लैंगिक जनन के द्वारा जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जीवधारी बनते हैं, जो डॉटर सेल बनती हैं, उनके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होती है। और जो अलैंगिक जनन से अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जैसे बाइनरी फ्यूजन के द्वारा आपने सुना होगा कि बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है एक निश्चित समय में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, तो वो जो अलैंगिक जनन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या आपने शुगर केन के अगर कभी खेत गए हों, आप गन्ने के खेत में गए होंगे, तो उनके पौधों के बीच में आपने कम भिन्नता देखी होगी, क्योंकि जो गन्ने के पौधों को जब लगाया जाता है तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया जाता है, स्टेम कटिंग के द्वारा लगाया जाता है। ऐसी गुलाब के आपने देखा होगा आपकी क्यारी में या आपके गमले में गुलाब के पौधे लगे हों, या स्कूल के गार्डन में आप देखिए उनमें भिन्नता कम दिखाई देगी। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो अलैंगिक जनन से जो जीव जंतु बनते हैं उनमें विभिन्नताएँ कम होती हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं उनमें
ये विभिन्नताएं ज़्यादा होती हैं, और विभिन्नताएं भी बहुत ज़्यादा इनका उपयोग है, इनकी बड़ी ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने देवेंद्र जी सुना होगा कि विकास एक क्रम होता है जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। आप और हम लोगों ने कार्टून में या बचपन से किताबों में पढ़ा है कि हमारे पूर्वज हम जैसे नहीं थे, हमारे पूर्वज कुछ अलग प्रकार के थे, और लाखों साल के जो विकास क्रम के दौरान ऐसे परिवर्तन हुए, ये वेरिएशन उत्पन्न होती गई, और ये वेरिएशन अलग अलग, कुछ वेरिएशन ऐसी थी जिनसे एडेप्टेशन अर्थात अनुकूलन करने में बड़ी सहायता प्राप्त हुई, और तो कुछ वेरिएशन विभिन्नताएँ ऐसी थी जिसके कारण जो ह्यूमन पॉपुलेशन या फिर और जीव जंतुओं को रहने में दिक्कत हुई। तो ये वेरिएशन कई बार फेवरेबल होती हैं और कई बार अनफेवरेबल होती, कई बार उसके लिए लाभप्रद भी होती हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, कई बार वो परेशानी भी देती हैं। तो ऐसी जो वेरिएशन जो एक प्रकार से लाभप्रद हो रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में मदद कर रही, तो वो जब इकट्ठी होती जाती हैं तो आगे चल के ऐसी वेरिएशन से एक प्रकार से स्पेशिएशन एक होता है, और ये एक प्रकार का एवोल्यूशन जिसे हम विकास का क्रम कहते हैं। और देवेंद्र जी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम और आप आज भी विकास हो रहा है, हम और आपका अभी आगे भविष्य में हम हजारों साल बाद फिर देखेंगे, हम लोग तो नहीं रहेंगे लेकिन हो सकता कि हमसे भी कुछ मिलते जुलते या उनसे भिन्नता रखने वाले ह्यूमन बीइंग या इंसान हम धरती पर आगे चल के लोग अपने इतिहास भूगोल में देखते हुए पढ़ेंगे। तो जी, ये जो ये विकास होता है, और विकास के लिए वेरिएशन बहुत जरूरी होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, मतलब जो विकास के लिए जो विभिन्नताएं होती हैं ये एक प्रकार का ये कच्चा माल कहलाती हैं। तो अब आपने ये बच्चों जाना होगा, और हम इस एक पिक्चर से और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम पॉइंटर के माध्यम से समझा रहे हैं, और इन्होंने अपना जनन करके दो संतति कोशिकाएं या ऑफस्प्रिंग बनाई, तो आप देख रहे हैं थोड़ी सी इनमें विभिन्नता डेवलप हो गई, आप भी देख पा रहे होंगे। ये लाल कलर का देखिए भाग, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ लाल, तो ये भिन्नता हो गई। अब प्रत्येक जो ये डॉटर सेल है आगे चल के मैच्योर होके फिर दो डॉटर सेल बनाएंगी, तो देखिए अब ये विभिन्नता और ज्यादा हो गई। इधर पर देखिए यहाँ पर ब्लू कलर नहीं है साइड में, और दूसरे में देखिए यहाँ पर ग्रीनिश कलर डेवलप हो गया। तो ये जो विभिन्नता आप देख रहे हैं, देखिए शुरुआत यहाँ एक ऑर्गेनिज्म से हुई थी, उनकी दो डॉटर सेल बनी, वो डॉटर सेल फिर कुछ समय के बाद उनमें जब वो मैच्योर हो गई तो उन्होंने फिर दो डॉटर सेल बनाई, लेकिन उनकी जो जनन कोशिका में देख रहे हो गए आप, ये विभिन्नता डेवलप हो गई। तो इस प्रकार से विभिन्नताएं ये उत्पन्न होती जाती हैं। हम कह सकते हैं कि विभिन्नताएं जीन या पर्यावरण के कारण उभरती हैं। अब जैसे हम अपने बच्चों को अगर एक एक्सरसाइज के माध्यम से समझाने चाहें, आप बच्चों अपने आसपास या अपने परिवार में, या अभी विंटर ब्रेक खत्म हो रहा है, स्कूल खुलने जा रहा है, तो आप अपने स्कूल में जाके देखिएगा कि आपके साथ जितने भी बच्चे हैं उनके ईयर लोब की स्ट्रक्चर देखिएगा कि किस प्रकार के ईयर लोब हैं, क्या ये क्या ईयर लोब फ्री है या फिर ये ईयर लोब अटैच्ड है, या आप अपने घर में भी देख सकते हैं। बच्चों आज ही इस एक्सरसाइज को करिएगा कि घर के जितने भी और साथी हैं, मेंबर्स हैं, आप भाई बहन हैं या आपके कजिन हैं, उनमें से कितने लोगों के ये लोग फ्री हैं या अटैच्ड हैं, या आपके मदर फादर या माता पिता से मिलते जुलते हैं। ऐसे ही आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आज मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये रंग जो आप दूसरी दाहिने तरफ देख पा रहे होंगे, ये टंग रोलिंग वाला आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने घर के जो सदस्यों के बीच में देखिएगा कि कितने ऐसे सदस्य हैं जो टंग को रोल कर सकते हैं इस प्रकार से, और कितने ऐसे सदस्य हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो टंग रोलिंग अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो आप देखिएगा कि क्या आपके मदर या फादर में से किनके अंदर ये लक्षण था टंग रोलिंग का। ऐसे ही आप देखिए ये अंगूठे को देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी को ये आप देख पा रहे होंगे। तो आप अपने भाई बहनों में, अपनी क्लास के लोगों के बीच में इस एक्सरसाइज को करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे आपके साथी होंगे जिनका ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा ऊपर का ये अंगूठे वाला हिस्सा, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनका पीछे की तरफ नहीं मोड़ पा रहा होगा। तो ये एक्सरसाइज के माध्यम से आप जान सकते हैं, ये एक साधारण सी एक ये हम क्रियाकलाप आपको दिए हैं जिसके द्वारा आप जान सकते हैं।
लेकिन साथ में बच्चों आपको एक मन में एक और बात आ रही होगी कि ये विभिन्नताएं में से कुछ आपने देखे, ये कुछ करेक्टर्स कहलाती है, ये कुछ लक्षण कहलाती है। अब ये लक्षण जैसे आपके मदर या फादर में से किसी का अटैच्ड लोब था तो आपके अंदर आ गया, लेकिन कई बार आप लोग जाते हो अपने कानों में पियर्सिंग करा लेते हो, यहाँ पर छोटा सा छेद करा के, और हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत विस्तृत परंपरा है, हम लोग आभूषण, हमारी माताएं बहनें और गर्ल्स वो पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, इवन नाक नोज में भी वो पियर्सिंग करा लेती हैं यहाँ पर भी, तो लेकिन जब उनके बच्चे जन्म लेते हैं तो ये गुण उनमें नहीं पहुँच पाता है। तो ये आप देख रहे होंगे कुछ गुण ऐसे हैं जो आपके माता पिता में पाए जाते थे लेकिन वो गुण आप तक आ गए, लेकिन कुछ गुण जो आपने बाद में एक्वायर किए, मान लीजिए आपने नोज में उस पायर्सिंग कराई, या आप प्रैक्टिस करके बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए, तो आपके पिताजी हो सकता बहुत अच्छे क्रिकेटर हों लेकिन आप उतने अच्छे क्रिकेटर ना बने, या फिर आपके जो पिताजी अच्छे वेट लिफ्टर हो सकते हैं या एथलेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वो गुण उनके बच्चों में आ जाए। तो ये जो गुण होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो एक्वायर किए जाते हैं लाइफ टाइम में जीवन प्रक्रिया के दौरान। तो जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं कुछ ऐसे जो मदर से, जैसे आपने देखा होगा आपकी माँ की नोज का जो बनावट होगी हो सकता आपके अंदर हो, या उनके बाल स्ट्रेट या कर्ली हो तो आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन आपने कलर कर लिया मान लीजिए अपने बालों में, और फिर आपकी माताजी ने या आपने कलर किया या आपके माताजी ने कलर किया, और वो अगर उनके बच्चे भविष्य में जन्म लिए तो वो माताजी के जो बालों का कलर था जो उन्होंने बाहर से किया था वो उनके बच्चों में जरूरी नहीं, वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वो उन्होंने एक्वायर किया, अलग से इसको किया है। तो ये सारी जो भी मैकेनिज्म है, ये पूरी मैकेनिज्म का बहुत अच्छे से अध्ययन एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, और उन्होंने जेनेटिक्स का के जो ये रहस्य हैं इन पर काफ़ी समय लगाया, और उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए लेकिन अपना सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान और फिर उन वो आगे की अपनी शिक्षा नहीं चला पाए, और उसके बाद लौट के आने के बाद फिर वो ऑस्ट्रिया में अपना काम किए, और उन्होंने 1822 से लेकर 1844 के बीच में उनका जीवन काल रहा, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारा काम किया, और मेंडल को गणित का काफ़ी अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने गणित या मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी को जोड़ के और इन जो लक्षणों की किस प्रकार से, विशेषकर इन्होंने मटर के पौधे के साथ काम किया, और मटर के पौधे में उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, और मेंडल इसी दौरान फिर उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसके उनके बाद उनके काम को मतलब रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म हम कह सकते हैं, तीन वैज्ञानिक जिनका नाम, एक वैज्ञानिक जिनका नाम कोरेंस, दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम शेरमार्क, और तीसरे वैज्ञानिक जिनका नाम ह्यूगो डिब्रीज, इन्होंने रीडिस्कवरी की, मतलब मेंडलिज्म को फिर से पुनः लोगों के बीच में लाए। तो मेंडल तो सर, अपने सर, जीवन में जो काम कर गए थे वो सर एक प्रश्न यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे कि हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए, मेंडल ने आखिर मटर के पौधों का इस्तेमाल क्यों किया, मटर के पौधों को ही क्यों चुना इस प्रयोग के लिए? जी जी, मटर के पौधे पर मेंडल के जो जो काम करने का जो उन्होंने निश्चय किया उसके पीछे पूरी तरह एक विज्ञान है, क्योंकि मटर के पौधे में एक तो क्रोमोसोम की संख्या कम होती है, तो वो मटर के पौधों को जो डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, केवल 14 नंबर क्रोमोसोम पाए जाते हैं मटर के पौधे में, तो ये बहुत ही कम क्रोमोसोम है, और प्रत्येक क्रोमोसोम की स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसके अलावा जो मटर के पौधे मेंडल ने जो काम किया और उसमें वो सफलता प्राप्त की उसमें बहुत बड़ा एक योगदान है। आपने देखा होगा कि हम लोग मटर के पौधे को जब अपने खेतों में उगाते हैं तो जब उसके बीज डालते हैं तो लगभग 3 से 3.5 महीने में हमें मटर प्राप्त हो जाती है, मतलब अगर हमने नवंबर दिसंबर के आसपास अपने बीज डाले तो फरवरी के लास्ट तक या मार्च की शुरुआत में हमें मटर की अच्छी खासी एक फसल प्राप्त हो जाती। दूसरा, जो मटर का जो फूल होता है वो उसमें वो देखा होगा अगर आपने, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं, मतलब बाईसेक्सुअल कंडीशन होती है उसमें, तो ये भी उनके एक सफलता का कारण था कि मटर में मतलब मेल और जो उसका फ्लावर था, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते थे। तीसरा जो उनका कारण था कि मटर के अंदर एक एक घटना होती है, किसी भी पौधों को जब हम उगाते हैं तो उनमें
जब फूल बनते हैं तो उसके द्वारा फिर देखा होगा परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते, पॉलन ग्रेन एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते, इस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो मटर में जो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी फ्लावर के मेल पार्ट से अर्थात एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के उसके फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचना, इस घटना को सेल्फ पॉलिनेशन कहा। और अगर क्रॉस पॉलिनेशन ये हुआ कि एक फ्लावर जो एक ही मटर पौधा है उसके किसी एक फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के और दूसरे फ्लावर के और प्लांट एक ही रहेगा सेम रहेगा कि स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन पहुंचे तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जो स्वतः परागण और पर परागण दोनों इसमें सुविधाएं थी मटर के पौधे में, जिसकी वजह से मटर का जो पौधा उन्होंने चुना और उन्होंने जो काम किया जब तो उन्होंने एक अपने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कुछ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को चुना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे बच्चे और आप, एक लंबा पौधा है एक बोना पौधा है, तो ये कहलाया कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ द करेक्टर। मतलब जो गुण लिए उन्होंने तो उसमें ऐसे लिए कि एक लंबाई वाला ले लिया तो एक लंबाई में भी अगर देखें तो ये बोनापन वाला पौधा लिया। और जब मेंडल ने ऐसा अपना संकरण कराया, जैसे कि आप देख रहे हैं एक लंबा पौधा है एक बोना पौधा है, इसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे इसे पर परागण कहेंगे, तो इनको जब पहली जनरेशन में F1 जनरेशन मतलब जब इनके जो परागण के बाद जो फली लगी पौधे में तो उसमें जो बीज पैदा हुए तो वो पौधे सभी जब उन बीजों को जमीन में डाला गया तो सारे पौधे लंबे पौधा मिले उनको। तो ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, हम अपने बच्चों को इस स्लाइड के माध्यम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये लंबा पौधा है मटर का समझिए खेत में और ये बोना पौधा है और दोनों के बीच में दो अलग अलग पौधे हैं, पौधों के बीच में परागकणों का बदलाव हुआ मतलब एक्सचेंज हुआ, तो ये घटना कहलाएगी परागण। और परागण के बाद आप जानते हैं कि फिर इसमें जो फूल है इसमें जो फल बनेगा, फल के रूप में आप जानते हैं मटर में जो फल होता है उसे फली कहते हैं पोड कहते हैं, और उसके फिर बीज जो हमें प्राप्त हुए उन बीजों को फिर बोया गया तो ये देखा गया कि सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए, जबकि मेंडल ने लिए कैसे था एक पौधा लंबा लिया था एक बोना, लेकिन इनसे जो पौधे बने जो उनको बीज प्राप्त हुए वो सारे के सारे पौधे लंबे प्राप्त हुए। तो ये मेंडल का एक प्रकार का एक एक्सपेरिमेंट था और इन बीजों को भी फिर उन्होंने एकत्र किया, जैसे कि इसमें फली लगेगी और फिर इन बीजों को एकत्र किया और फिर उन बीजों को अगर अब बाद में उन्होंने जब बोया मतलब आप देखिए दोनों लंबे, क्योंकि ये लंबे पौधे प्राप्त हुआ था उन्हें F1 जनरेशन में, इसके जो बीज प्राप्त हुए उन्हें बोया तो दोनों लंबे पौधे मिले और दोनों लंबे पौधों के बीच में जब टॉल प्लांट के बीच में उन्होंने ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाया, तो जब उन्होंने सेल्फिंग की एक ही लंबे पौधे में या एक प्रकार के दोनों टॉल प्लांट हैं तो ये उनको तीन पौधे लंबे मिले और एक पौधा बोना मिला। तो ये उनका शुरुआत का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने ये जो जिस चर्च में काम करते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैदान था तो वहाँ पर इन्होंने मटर के पौधों के साथ अपने एक्सपेरिमेंट को किया। और ये जो मटर को चुनने के पीछे ये भी था कि मटर के अंदर ऐसी अलग अलग कंट्रास्टिंग करेक्टर पाए जाती हैं, जैसे मटर के अगर हम देखें फली के अंदर जो बीज होते हैं कुछ बीज मटर में गोल बीज वाले फली के अंदर गोल बीज होते कुछ में झुर्रीदार होती, तो ये एक पेयर ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हुआ बीज की आकृति का। ऐसी बीज के रंग को अगर हम देखें तो हरे कलर की मटर भी हो सकती है और पीले कलर की भी मटर हो सकती है, तो ये दूसरा एक कंट्रास्टिंग करेक्टर हुआ गुण हुआ लक्षण हुआ। तो ये हुआ ऐसी पुष्प का अगर हम फ्लावर का रंग देखें कलर देखें तो हमें वायलेट कलर का था जामनी रंग का भी फ्लावर दिखाई दे सकता है या सफ़ेद कलर का दिखाई दे सकता है, तो ये पुष्प का रंग हुआ। ऐसी फलों की आकृति अगर हम देखें जैसे पोड हुआ तो या तो ये फूली हुई हो सकती है इन्फ्लेटेड जिसे इंग्लिश में कहती है कंस्ट्रिक्टेड अर्थात सकरी हो सकती जगह जगह कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर फलों का रंग पोड का देखें तो ग्रीन पोड हो सकती या फिर येलो पोड हो सकती है, और ऐसे ही टर्मिनल प्लेस फ्लावर हो सकता है जो फ्लावर के अगर पोजीशन देखें या फिर एक्सियल एक्जाइल में निकला हो एक्सिस से निकला हो तो ये अक्षीय या अंतस्थ फ्लावर का
स्थान हो सकता है, पुष्प का स्थान, ऐसी तने की लंबाई, जैसा कि हमने अभी आपको ही बताया था कि मटर के पौधे दो प्रकार के, कुछ लंबे होते हैं कुछ बौने होते हैं, तो तने की लंबाई में भी उन्हें दो कंडीशन दिखाई दी, या टॉल प्लांट वाले या फिर ड्वार्फ वाले। तो ऐसे सेवन पेयर, सात लक्षणों वाले एक दूसरे के विपरीत कंट्रास्टिंग करेक्टर मटर में देखने को मिले, और यही कारण था जो हमने पहले भी बताया था कि मेंडल की सक्सेस का यही कारण था कि मटर इजिली ग्रो हो जाती है, जल्दी इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और इसमें सेवन पेयर ऑफ दी कंट्रास्टिंग करेक्टर होती हैं। तो बच्चों, जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, जैसा कि हमने आपको बताया कि मटर के साथ उन्होंने अपने काम को किया, तो उन्होंने देखा कि हर लक्षण या जो गुण हैं, जैसे फूलों का रंग देख लें, या पौधे की ऊंचाई देख लें, या बीज का रंग हो, तो इनमें देखा कि जो कारकों की जोड़ी, जैसे हम फैक्टर्स कहते हैं, एक एक जोड़ी फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है एक करेक्टर। जैसे हम लंबाई वाला करेक्टर देखें, तो उसमें जो दो फैक्टर मदद करते हैं, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब जो फैक्टर जो होते हैं वो एक जोड़ी के रूप में किसी एक लक्षण या गुण को प्रभावित करते हैं, मतलब उसको नियंत्रित करते हैं। क्योंकि मेंडल के समय मेंडल को जीन का ज्ञान नहीं था, तो मेंडल ने जीन के स्थान पर फैक्टर शब्द का उपयोग किया था। बाद में ये जो हम कारकों की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली जीन्स थे, जो अब आधुनिक समय में हम लोग जानते हैं कि जीन की एक जोड़ी द्वारा एक लक्षण या गुण वो नियंत्रित होता है। तो जब आप जानते हो कि जो मेल प्लांट होगा, फीमेल प्लांट होगा, तो उनके अंदर गैमीट बनते हैं, तो जब गैमीट बनते हैं, मतलब गैमीट एक प्रकार की कोशिका हो गई, सेल बनती हैं, तो जो मेल गैमीट होगी तो उसमें उनके अपने क्रोमोसोम होंगे, फीमेल गैमीट होंगी तो उनमें अपने क्रोमोसोम होंगे, और क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन्स। तो जब गैमीट बने, और गैमीट जब फ्यूज होते हैं, उससे जाइगोट बनता है। तो ये मानिए कि हर लक्षण का एक पेयर, मतलब ये जो हर लक्षण को जो नियंत्रित करते हैं दो कारक, तो उसमें से एक कारक एक फीमेल अर्थात मादा प्लांट की तरफ से या फीमेल ऑर्गेनिज्म की तरफ से, और एक एक नर अर्थात मेल ऑर्गेनिज्म की तरफ से आता है, दोनों फिर जुड़ते हैं और फिर जाइगोट में पहुंचते हैं। तो यही कारण है कि कुछ गुण हमारे, जैसे मेरे अंदर या आपके अंदर, एक क्योंकि कुछ आपने देखा कि जैसे मेरे अंदर ह्यूमन बीइंग हूँ तो 23 पेयर क्रोमोसोम होते, 46 क्रोमोसोम होते, 23 जोड़े होते हैं। तो एक हर गुण का एक क्रोमोसोम का भाग मदर साइड से आया, एक फादर साइड से आया, और उनसे संबंधित जीन्स भी आए। तो इस प्रकार से मेंडल ने जो काम किया वो मटर के ऊपर इस प्रकार से किया, और उन्होंने बताया कि दो कारकों की एक जोड़ी युग्मकों के गठन के दौरान अलग अलग हो जाती, जो जाइगोट बना, और फिर वो जाइगोट फिर एडल्ट हुआ, और फिर उसके बाद फिर जब हम उन बीजों को बोया तो वो युग्मक जो होते हैं फिर जब गैमीट बनते हैं, आगे चल के जाइगोट फिर एडल्ट, एडल्ट से फिर गैमीट बनेंगे मेल और फीमेल, तो उनके दौरान वो अलग अलग हो जाती है। जी, और निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय इस प्रकार के कारक फिर मिल जाती है। जी, ये पहला नियम। अब सर, समय हमारे पास कम है, तो हम चलते चलते आपने क्रोमोसोम्स की बात की, तो एक सवाल शॉर्टकट में मैं लूंगा आपसे संक्षिप्त में, कि क्या क्रोमोसोम की संख्या सभी जीवों में एक समान होती है? बहुत संक्षिप्त में बताएं, इसके बाद हम सेशन को समाप्त करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्रोमोसोम, एक क्रोमा मीन्स होता कलर, सोमा मीन्स बॉडी, ये विशेष प्रकार की एक धागे समान रचनाएं होती हैं जो प्रत्येक जीवधारी या प्लांट या एनिमल के अंदर जो सेल होती हैं, जैसे मेरा आपका शरीर तमाम कोशिकाओं से बना है, जैसे कोई मकान होता है, कोई बिल्डिंग होती है ईंटों से बनती है, ऐसे मेरा आपका शरीर कोशिकाओं से बना, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता कंट्रोलिंग सेंटर, उसके अंदर जो उसके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे धागे समान रचनाएं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम डीएनए के बने होते हैं, और छोटा सा भाग जो एक कोई प्रोटीन को, फंक्शनल प्रोटीन को कोड करे, उसे जीन कहते हैं। तो ये क्रोमोसोम एक प्रकार से जीन को कैरी करने वाले धागे समान सदस्य रचनाएं होती हैं। और बस मैं आधा मिनट आपसे लूंगा और दूसरा लक्षण बता दूं। जी सर, समय कम है, समय कम है,
सर समय कम है, हमें इस सेशन को एंड करना पड़ेगा क्योंकि अगला सेशन शुरू होना है। दूसरे भाग में फिर हम आगे मिलते हैं बच्चों के साथ जी जी, और तो इसको फिर आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी। हमारे साथ जुड़े थे सुशील कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता पर आपने बात की और बहुत अच्छे से चीज़ों को डिटेल में बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और चलते चलते अपने दर्शकों को बता दें कि अगला जो सेशन होने वाला है वो है क्लास टेंथ का ही, हिंदी का, इसमें आप बने रहिएगा। नागार्जुन, प्रसिद्ध कवि नागार्जुन की कविता इसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए, यह दंतुरित मुस्कान एवं फसल कविता का नाम है, बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। और चलते चलते सेशन को एंड करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे दें, हमें आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि CIIT NCERT इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए आप CIIT की वेबसाइट देख सकते हैं या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और यहां से आपको तमाम जानकारियां, जो जरूरी जानकारियां इस प्रतियोगिता से संबंधित हैं, वो मिल जाएंगी। अब दीजिए अनुमति ये सत्र यहीं समाप्त करने की, लेकिन आप बने रहिए ई विद्या के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।